हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या लक्षण है, कितने प्रकार के जो है उनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो को आवाज स्लो लग रहा है तो आप इसका प्लेबैक स्पीड को 1.5 कर लीजिए, ताकि आपको कंटेंट जो है वो फ्लो में मिलता रहे, फ्लुएंसी के साथ मिलता रहे। तो लेट्स बिगिन विद द कंटेंट। हम सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। कोई भी इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, इकोनॉमी का मतलब किसी भी देश के अंतर्गत किस तरह से जो है लोग या वहाँ वहाँ की कंपनियां या वहाँ के बिजनेस कॉरपोरेट है वो किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फुलफिल करते हैं, किस उसको परफॉर्म करते हैं। मींस इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस कैसे प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, कैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, कैसे जो है चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती है, उस सारी चीजों को जो है हम इकोनॉमी में कंसिडर करते हैं। तो इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी, और वी कैन से विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया। दूसरे शब्द में हम बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम इज नथिंग बट इट अ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम मीन्स कैसे लोग उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में या उस पर्टिकुलर जियोग्राफिक बाउंड्री में लोग रहते हैं, कैसे सोसाइटी बना के रहते हैं, कैसे लोग चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे लोग जो है वहाँ पे कंज्यूम करते हैं, कैसे से लोग जो है चीजों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, पूरे सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज लाइक अ टाइप ऑफ सोशल सिस्टम, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स आर द मीन्स बाय विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड ट्रेड्स गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स ये एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है एक वो तरीका है जिसके माध्यम से जो है गवर्नमेंट जो होती है, कंट्रीज जो होती है, वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है और चीजों को प्रोड्यूस करके उसको कैसे ट्रेड करता है, ये जो है आपका इकोनॉमिक सिस्टम बताता है। इकोनॉमिक सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां का जो गवर्नमेंट है, जो वहां का कंट्री है, वो कैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे वो जो है कंट्रोल करता है, कैसे उसको ऑन करता है और ऑपरेट करता है, कैसे उसको यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करता है, उन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किनका कंट्रोल होता है, वहां पे डिसीजन मेकिंग किनकी होती है, किस प्रकार से होती है, सब चीजें हम इकोनॉमिक सिस्टम में देखते हैं। तो जो हमारे क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है दे आर स्केर्स इन नेचर, तो जो स्केर्स रिसोर्सेज है उनको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन द इकोनॉमी टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब ये जो द वे ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द इकोनॉमी इज कंसिडर्ड एज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी, तो आप समझ लीजिए इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम को हम इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो जो इकोनॉमी होता है उनका एक अपना एक प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है, हमने पढ़ा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, ये हमने हमारे फर्स्ट कोर्स में पढ़ा था और हम यहाँ पे भी शॉर्ट में उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। ये सब चीजें जो है आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आती है। तो जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे हम, ये हम और सोल्व करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हम फॉलो करते हैं उससे हम इसको पता कर सकते हैं, उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें तीन चार प्रकार की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरह से इनको सोल्व करते हैं हम आगे के वीडियोस में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, मतलब किस प्रकार की
कितने प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, कितने प्रकार की इकोनॉमीज होती है। तो देखिए, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है ये काफी वेरी कर जाता है। काफी जगह आप लोगों को 3 प्रकार का टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मिलेंगे, कहीं पे आपको 4 प्रकार के मिलेंगे और कहीं पे आपको 5 प्रकार का मिल जाएंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज, आपको केवल जो है सबके बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि वो क्या होता है, क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक नेचर ऑफ कोर्स। हम कह सकते हैं ये जो सब सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हम अपने बहुत ही एलिमेंट्री नॉलेज ले रहे हैं, बहुत बेसिक नॉलेज ले रहे हैं इस कोर्स के बारे में, तो हमको बेसिक चीजें सब जाननी चाहिए। तो यहाँ पर हम बेसिकली 4 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, 4 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, सॉरी, सबसे पहला है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, फिर एक कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, फिर है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। ये डिफरेंट प्रकार से हैं, आपको कई जगह मिलेगा सोशल सोशियो सोशियलिज्म, फिर मिलेगा आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एक मिलेगा मिक्स्ड इकोनॉमी। कई जगह तीन ही जनरली आपको देखने में मिलता है, लेकिन क्योंकि आपको जानना है तो आपको जो है जितना हो सके उतना चीजों को जानना चाहिए। तो लेट्स बिगिन विद द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? देखिए, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हो सकते हैं या बहुत सारे ऐसे भी रीजन हो सकते हैं जहां पे अपने ट्रेडिशन को, जहां पे अपने कस्टम्स को, अपने बिलीफ्स को आधार बना के वो लोग अपना जीवन जीते हैं, अपना उत्पादन करते हैं, अपना उपभोग करते हैं कुछ वस्तुओं का, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम है तो आपको ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे पुराना इकोनॉमिक सिस्टम होता है, मोस्ट ट्रेडिशनल होता है और एंशिएंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस तरह के ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम का ही उद्भव हुआ था या सामने आया था। अब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो लोग है वो जनरली जो है वो न तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, न ही वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं। वो किस क्या ओरिएंटेड होते हैं? वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होते हैं, वो फिशिंग ओरिएंटेड होते हैं, हंटिंग करते हैं, इस तरह की चीजों में अपने आप को, इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो करते थे और इन चीजों में अपने आप को बिजी रख देते हैं। और जिसकी वजह से वो क्या थे कि जिनके पास, जिनको प्रॉफिट नहीं कमाना है, जिनको कोई ग्रोथ नहीं करना है, तो उन लोगों को क्या करना है, दे आर फिजिकली वेल कनेक्टेड टू ईच अदर एंड सोशली वेल सेटिस्फाइड। वो लोग बहुत खुश रहा करते थे। आप लोग देखते हैं पहले के जो जमाने में लोग थे हमारे पूर्वज, तो वो उस तरह से जिस तरह से आज पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे भाग रहे हैं, वो क्या कहते हैं, नेम फेम मनी के पीछे भाग रहे हैं, तो उस जमाने में लोग नहीं भागते थे। उस जमाने में भागते थे आपसी भाईचारे के लिए, आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए, अपने रीति रिवाजों को फॉलो करने के लिए, हमारे कस्टम्स को फॉलो करने के लिए और हमारे जो बिलीफ सिस्टम बना है उसको फॉलो करने के लिए वो लोग ज्यादा डेडिकेटेड रहते थे, रदर देन फॉर नेम फेम एंड मनी। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि वो ट्रेडिशनल नेचर है, वहां पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पे किस तरह का जो है प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है, वहां पे कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो लोग क्या करते थे कि जो रिसोर्सेज है वहां पे वो सरप्लस कभी नहीं होते थे, चाहे वो किसी प्रकार रिसोर्सेज हो या गुड्स हो, वो रिसोर्सेज नहीं होते थे। तो जनरली जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं सरप्लस ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड्स वुड बी रेयर, वहां पे कभी कभार जो है चीजों का सरप्लस आपको देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नहीं होता था। अब आप बोलेंगे इस तरह के आजकल इकोनॉमीज कहाँ होती है? भाई ऐसी इकोनॉमी अभी भी है, विश्व बहुत बड़ा है और विश्व में ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे ऐसे जो है जगह है जहाँ पे इस तरह के सिस्टम को आज भी फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा है इन्यूट और पीपल ऑफ आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है, कनाडा और अलास्का, ऐसे कुछ जगह जहाँ पर इस तरह के आज भी जो है रीजन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं, जहाँ पे आज भी जो है इन चीजों को जो ग्रोथ और इस पे ज्यादा बहुत ही फोकस नहीं किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। अब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम के अपने फायदे हो गए, क्या फायदे हो गए कि भाई वहां पे लोग खुश ज्यादा रहते हैं, वहां पे लोग आप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्टेड रहते हैं,
हेल्पफुल रहते हैं एक दूसरे के लिए और वो खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ से। लेकिन उससे कोई नुकसान भी हो सकते हैं ट्रेडिशनल के, जो हमने यहाँ पे देखे कि भाई वहां पे ग्रोथ और टेक्नोलॉजी का उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं होता, उनको अपना खेती करना है, अपना फिशिंग करना है, हंटिंग करना है और खुश रहना है, ठीक है। तो वो एक चीज होता है। दूसरा कि जो लोकल रिसोर्सेज है उन पर जो है वो डिपेंड होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन चीजों पे ज्यादा वैल्यू भी नहीं करते, जो अपने पास लोकल है उसी पे वो फोकस करते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास सेकंड जो है इकोनॉमिक सिस्टम है, दैट इज कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम को जो है हम कई बार जो है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी बोलते हैं और कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और इसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको हम सोशलिज्म या सोशलिस्ट जो इकोनॉमी वो भी बोलते हैं। क्योंकि कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, या जो कम्युनिस्ट या सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें क्या होता है कि वहां पे जो है गवर्नमेंट ही सर्वे सर्वा होती है। गवर्नमेंट सर्वे सर्वा है मींस गवर्नमेंट ऑलवेज वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के लिए वो काम करती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसके लिए गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है, तो सबके वेलफेयर की बात करती है। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट एंड सेंट्रलाइज पावर कंट्रोल मच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अलोकेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो है वो रिसोर्सेज हो, गुड्स एंड सर्विसेज हो, उनको सारा जो अलोकेशन का काम है वो गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, गवर्नमेंट वहां पे सर्वे सर्वा होती है। क्योंकि गवर्नमेंट सर्वे सर्वा होती है तो छोटी से बड़ी चीज में गवर्नमेंट गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, ठीक है। और इसीलिए जो है ऐसी जो हर जगह पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है कितना भी बड़ा कदम उठा सकती है। मतलब अगर वो चाहे तो पूरा बजट एक उस पर डाल सकती है, नहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो अपने हिसाब से जो है वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले सकती है। और इसीलिए जो है गवर्नमेंट कैन क्रिएट जॉब्स और गुड लाइफ टू द पीपुल एट अफोर्डेबल रेट, जो है वो लोगों को अच्छा जीवन और अच्छा रोजगार दे सकते हैं सस्ते दरों पे, सस्ते खर्चे पे। तो ऐसी कंट्रीज कौन है दुनिया में, ऐसी कंट्रीज कौन है दुनिया में, जैसे चाइना है। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री और सोशलिस्ट कंट्री अलोंग विथ रसिया एंड नॉर्थ कोरिया। ये दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको साइड करना चाहूंगा, और बहुत सारी कंट्रीज हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ दिया है सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन सी कंट्रीज कमांड इकोनॉमी को फॉलो करता है। आप देखेंगे चाइना की कोई भी चीज बाहर नहीं आती, वो एक तरह से बिल्कुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। तो मीन चाइना नेवर फॉलो द ओपन इकोनॉमी एज आई थिंक। तो इसका भी एडवांटेज की बात करें कि कमांड इकोनॉमी के क्या एडवांटेज है, कमांड इकोनॉमी का एडवांटेज आप लोग सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीजें, तो गवर्नमेंट जो है वेलफेयर की बात हमेशा करती है, वो प्रॉफिट की बात कम करती है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेगी तो वो किसी भी रिसोर्स को मोबिलाईज करा सकती है किसी भी सेक्टर में, ठीक है। तो एज पर द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी और बेनिफिट वो जो है सोसाइटी को ज्यादा देगी रेदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वो छोड़ सकती है लेकिन सोसाइटी के इंटरेस्ट को वो नहीं छोड़ती, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी को फोकस करती है। एनकरेज मोर एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट जो मोस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकती है। उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, अब भाई देखिए दो चीजें कभी एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप ग्रोथ कर लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दीजिए कंट्री में, या फिर आप जो है वेलफेयर को बढ़ावा दीजिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब आप सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको जो है केवल वेलफेयर मिल सकता है, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ उतना अच्छा से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिशन नहीं होगा, तो उस तरह से आपको जो है कॉम्पिटिशन का मार्केट में कमी होगा, इनोवेशन का कमी होगा, एडवांसमेंट नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इनहिबिट्स इंप्लॉइज फ्रीडम टू परस्यू क्रिएटिव जॉब्स एंड करियर, ये जो है इंप्लॉइज को रोकती है उसके अपनी जो फ्रीडम टू
थिंक इन अ डिफरेंट वे, और गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चाहिए। तो वो अपने एम्प्लॉयज को ये नहीं बोलेगा कि तुम अपना दिमाग लगाओ इसमें, वो कहेंगे सिंपल सी कि जस्ट फॉलो द रूल्स एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। थर्ड जो इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी उसको हम बोलते हैं। और मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो फीचर है वो है कि यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर को आजादी होती है, फ्रीडम होती है, प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस होता है। और जब प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस होगा तो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग होते हैं उनको प्रॉफिट मोटिव होते हैं, वो लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे जो है उनको ज्यादा प्रॉफिट होगी। तो जो उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, या तो उन चीजों पे वो फोकस करती हैं कि जहां जिन चीजों को प्रोड्यूस करने से उनको फायदा होगा उन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, देन कि लोगों की क्या जरूरत है, किसी लोगों को भला होगा उससे उनको कोई मतलब नहीं है। कोई बिजनेस में मेन होगा तो आप भी जाने कि उनको जहाँ फायदा दिखेगा, जिन चीजों को प्रोड्यूस करने में उसको फायदा उन्हीं को प्रोड्यूस करेंगे। अब लोगों की जरूरत कुछ भी हो लेकिन उनको फायदा होगा वही वो चीजों को प्रोड्यूस करेंगे। और कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जैसे उनको सस्ता पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर लेबर सस्ता पड़ा तो लेबर यूज करेंगे, अगर कैपिटल या मशीनरी की जरूरत पड़ी तो वो मशीनरी का यूज करेंगे, जहां से उनको प्रॉफिट हो, जहां से उनको कम कॉस्ट हो। गवर्नमेंट क्या करता है, अब ऐसा नहीं कि अब वो प्राइवेट सेक्टर को आजादी है और प्राइवेट सेक्टर जो डिमांड सप्लाई ऑफ जो मार्केट है वो अगर क्या नाम से चीजों को डिटरमाइन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट उसमें कुछ इंटरवेंट करता है, हल्का फुल्का इंटरवेंट करता है, अदरवाइज मोनोपोली हो जाएगा, फिर लोग जो है सुनेंगे नहीं किसी की। तो गवर्नमेंट जो है कुछ ट्रेड पॉलिसी बना दिया, कुछ फेयर ट्रेड पॉलिसी बना दिया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि ये चीजें इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो वो कुछ हल्का फुल्का जो है रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट बिजनेस ऑपरेशंस पे लगा सकता है, मार्केट को हल्का फुल्का रेगुलेट कर सकता है। और इस तरह की जो इकोनॉमीज है उसमें आता है यूएसए, इंग्लैंड एंड जापान और भी बहुत सारी कंट्रीज है, बट दीज आर द मेजर इकोनॉमीज हु आर ओपन टू ऑल। वहां पर कोई भी जाके अपना इन्वेस्ट कर सकता है और अपना दिमाग लगा के अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। लेकिन कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, जो मार्केट इकोनॉमी है, उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि वहां पे जो है आपके जो देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। वेलफेयर बढ़े ना बढ़े वो अलग चीज है, लेकिन ग्रोथ उसमें बढ़ जाता है। वेलफेयर में तो जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, हाँ उनके प्रॉफिट के साथ अगर वेलफेयर हो रहा है तो वो चलेगा फिर, लेकिन अगर उनका प्रॉफिट, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते हैं बिकॉज दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड पीपल। तो अब इसकी हम बात करें, जब प्राइवेट कंपनीज रहेंगी तो वो अपने हिसाब से एफिशिएंट रिसोर्स को यूज करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो देश का ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड होगा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, सब चीजें होंगी। ये एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि लोगों की वेलफेयर पे कम ध्यान दिया जाएगा, जो पुअर पीपल है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस पे जो है वो उनका ग्रोथ या उनका विकास उतना वेलफेयर नहीं हो पाएगा, वो और भी गरीब हो सकते हैं क्योंकि उनकी चीजें उनके बजट में नहीं होगी। और दूसरा एक ये भी रिस्क रहता है कि भाई अगर मान लीजिए बड़े कंपनीज है, बड़ा कॉर्पोरेट घराना है, उन चीजों को मोनोपोलाइज भी कर सकता है कि भाई उसे पूरा मोनोपोली करके उसपे जो है वो उसके अंडू बेनिफिट ले सकता है। ये भी एक दिक्कत रहता है। इनकम डिस्पेरिटी बढ़ जाएगी, इनकम डिस्पेरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इकोनॉमिक नीड्स अलग होती है लोगों की, उस पर वो फोकस करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हो इकोनॉमिक नीड्स पे फोकस करता है रदर देन सोसाइटल नीड्स या जो फिर ह्यूमन नीड्स, उस पर वो फोकस कम करता है। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं फोर्थ इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अभी तक हमने बात किया तीन इकोनॉमिक सिस्टम की, हम एक ब्रीफ कर लेते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम, कमांड सिस्टम, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, और दूसरा जो है आपका मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम,
जिसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। तो अब उसके बाद में आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सिस्टम के नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक है जहां पे सारी प्रकार की सिस्टम अवेलेबल रहेंगे। मतलब आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम के कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, कुछ फीचर्स मिलेंगे आपको ओपन या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के, कुछ मिलेंगे आपको कमांड इकोनॉमिक सिस्टम के। ठीक है, तो जहां जहां से उनको जो अच्छी चीजें मिली, जहां जाके जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स, उसको लेके एक नया प्रकार का सिस्टम बना, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। दिस इकोनॉमिक सिस्टम इज अ क्रॉस बिटवीन अ मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी का मिक्स बेसिकली है, दोनों से मिक्स बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट इज जनरली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट या नेशनल ऑनरशिप। इसमें गवर्नमेंट का कोई ऑनरशिप नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हाउएवर गवर्नमेंट कैन स्टिल हैव कंट्रोल ओवर एसेंशियल इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। कुछ ऐसे सेक्टर है जिसको वो एक्सेप्शनली जो है अपने कंट्रोल में गवर्नमेंट रखती है, और उस पर कंट्रोल रखना जरूरी भी है क्योंकि दे आर एसेंशियल नेचर। मान लीजिए कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट जो है पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का वो प्राइवेट होता, कोरोना आ जाता तो गवर्नमेंट कैसे उसको डील करता, क्योंकि प्राइवेट में तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग वो भी अपना इलाज करवाने से कतराते हैं, उतना पैसा आम आदमी कहाँ से लाता है, इतनी बड़ी पब्लिक कैसे अफोर्ड कर पाता। गवर्नमेंट कुछ चीजों को जो है अपने कंट्रोल में रखता है, जैसे डिफेंस वाला है, सिक्योरिटी। अब वो हम प्राइवेट को थोड़ी दे सकते हैं, वो तो मुनाफे के लिए बेच देगा देश को। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब हम कैन नॉट बिलीव दैट कि डिफेंसिव सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम को टोटली प्राइवेट कर दिया जाए, कंप्लीट प्राइवेट कर दिया जाए। आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट। सो इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अब ऐसे एग्जांपल कहाँ है, ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो इन चीजों को फॉलो करता है? भाई इंडिया उनमें एक है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, आइसलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी। दिस कंट्रीज आर फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनीज को मौका नहीं है, उनको भी मौका है जो ग्रोथ पे ध्यान दे। गवर्नमेंट की कंपनीज है, पीएसयूज है, उनको भी मौका है वो जो है पब्लिक के वेलफेयर पे ध्यान दे, और जो लोग अपने हिसाब से चलना चाहते हैं ट्रेडिशन को फॉलो करके, वो उनको भी आजादी है। इंडिया इंडियन इकोनॉमी इज टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। मिक्स्ड इकोनॉमी के भी कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज है। मींस कि अगर प्राइवेट, मैंने जैसे बताया कि भाई प्राइवेट कंपनी है तो वो ग्रोथ पे फोकस करेगी क्योंकि दे आर प्रॉफिट मोटिव इन नेचर होती है, और पीएसयूज होती है वो वेलफेयर इन नेचर होती है, तो लोगों को भला करने में काम करती है। तो इस तरह की चीजें जो है इसमें होता है, लेकिन कई बार डिसएडवांटेज भी होता है। क्या होता है, क्योंकि भाई इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार नहीं होता है। अब नहीं होता है तो कई बार जो है जैसे पीएसयूज है, जो है जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल जो देखो क्या हालत हो गई है, लेकिन वही प्राइवेट जो है जियो है, एयरटेल है, ये तरक्की कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो डूब रहा है। कई बार इतना ज्यादा ध्यान देता है, जैसे आईआरसीटीसी है उसमें गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा ध्यान देता है, अलग ही जो है। तो कहने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान देने, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने से जो है चीजें इनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जो सब्सिडाइज गवर्नमेंट इंडस्ट्री होती है, जो कर्ज में चले जाती है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती, वो बाद में बिक जाती है। रिसेंटली कितने सारे पीएसयूज, कितने सारे गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो बिक गई है, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया, बिकॉज वो जो है नेट में चली गई है, प्रॉफिटेबल नहीं रही है गवर्नमेंट के लिए। उसके अलावा बहुत सारे डिसएडवांटेज ये भी है कि भाई बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है, बहुत सारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, इन एफिशियंट प्लानिंग होती है, डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो है कंपनीज
गवर्नमेंट मींस पीपल, पीपल मींस सो मेनी पीपल्स, तो किसको क्या फर्क पड़ता है चीजें बने बने और बिगड़े। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर में जो है इनएफिशिएंसीज ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम इस लेक्चर को हम समराइज करना चाहें तो उसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं या जो इकोनॉमीज होती हैं वो एक्सट्रीमली दो प्रकार की मानी जा सकती है। एक तो बिल्कुल ओपन होती है जिसको हम फ्री मार्केट बोलते हैं, जिसको ओपन मार्केट बोलते हैं, ठीक है, जिसको मार्केट इकोनॉमीज बोलते हैं। दूसरा तो प्लांड इकोनॉमी, प्योर प्लांड, जिसको मतलब कमांड इकोनॉमीज बोलते हैं, जिसको सेंट्रली प्लांड इकोनॉमीज बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं बाहर के लोगों के लिए, बाहर के प्राइवेट सेक्टर के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसमें गवर्नमेंट ही अपना सब कुछ प्लान करता है, जिसको हम कम्युनिज्म बोलते हैं। और जो बाकी जो इनके बीच के सिस्टम्स है उनको हम बोलते हैं सोशलिस्ट सिस्टम बोलते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वेनेजुएला, फ्रांस, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान आर द इकोनॉमीज हु फॉलो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पिक डाल रखा है, आप देख रहे होंगे कि मार्केट एंड कमांड इकोनॉमी, ये एक आपको जस्ट ब्रीफ समरी के लिए मैंने यहाँ पे, ब्रीफ व्यू के लिए मैंने आपको यहाँ पे इसको डाला है कि भाई हमारी जो, देखिए कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको कैसे डील करता है गवर्नमेंट, कैसे, तो उसी को हम बोलते हैं। तो भाई हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हूम टू प्रोड्यूस, तो इसको डिटरमाइन मार्केट इकोनॉमी कौन करता है, डिटरमाइन बाय द कंज्यूमर प्रेफरेंस, मतलब डिमांड डिमांड और सप्लाई। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूसर उसको जो है डिसाइड करता है कि उसको कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह की मेथड अपनाने में उसको फायदा हो रहा है। फॉर हूम टू प्रोड्यूस, अब डिटरमाइन बाय परचेसिंग पावर, ये परचेसिंग पावर। अब भाई देखिए जो पब्लिक सेक्टर, वो ऐसे जो गरीब लोग हैं या जो मुफ्त में खाने वाले लोग हैं या मुफ्त में लेने वाले लोगों के लिए, तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, वो किसके लिए करेगा, देखेगा किसके पास परचेजिंग पावर है, किसके पास इनकम जनरेशन अच्छा है, तो उनके लिए वो प्रोड्यूस करता है। अब मान लो लग्जरी गुड्स और ये जो है आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो आम आदमी के लिए तो नहीं करेगा, जिनके पास पैसा है उसको अफोर्ड करने का, उसी को वो जो है परचेज करेगा, तो उन लोगों के लिए वो चीजों को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन कमांड इकोनॉमी होती है उसमें कैसे होता है, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ऑल थिंग्स आर बीइंग डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, द कमांड इकोनॉमी। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है वो समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी इसके देख सकते हैं, यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ से नेट से उठा के आप लोगों के लिए डाला है कि किस तरह क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, जिसे आंसर भी यहाँ पे है साथ में। व्हाट इकोनॉमी इज कॉल्ड ए मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है इसको बोलेंगे। तो कोई भी ऐसी इकोनॉमी विच इज डिसेंट्रलाइज, ऐसी इकोनॉमी जो जिनमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, डिसेंट्रलाइज मतलब पब्लिक भी उसमें आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, आम पब्लिक भी उसमें आ सकता है। इन ए मार्केट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज शेयर्ड अमंग प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स रादर देन कंसोलिडेटेड इन द हैंड्स ऑफ रूलर और गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास सब कुछ पावर है, नहीं, आपको गुड्स को प्रोडक्शन करने और गुड्स को बेचने दोनों का जो है जो सिस्टम है वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी है, गवर्नमेंट के पास भी है, और इंडिविजुअल सॉरी गवर्नमेंट की क्या ग्रुप्स जो इंडिविजुअल्स है उसके पास भी है, बिजनेसेस के पास है, उसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो आप बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बता सकते हैं, व्हाट इज फोकस ऑन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में किस चीजों पर फोकस किया जाता है, ट्रेडिशन पे, बिलीफ पे, कस्टम्स पे एंड सेटिस्फेक्शन, एग्रीकल्चर पे, फिशिंग पे, इन चीजों पर फोकस किया जाता है। और दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच मे कम इन योर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन या एग्जामिनर मे आस्क फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, लाइक व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, व्हाट डू यू मीन बाई मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम,
व्हाट इज कमांड इकोनॉमी, व्हाट इज ट्रेडर्स इकोनॉमी, व्हाट इज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, लेस फेयर इकोनॉमी क्या होता है? लेस फेयर इकोनॉमी क्या होता है? लेस फेयर इकोनॉमी का मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ मार्केट जो है वो चीजों को डिटरमाइन करते हैं, वो चीजों को फिक्स करते हैं, बोलते हैं लेस फेयर इकोनॉमी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करवा दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो जरूर जरूर शेयर करें, हो सकता है अपने मित्रों को, आपके दोस्तों को, किसी को पसंद आ जाए तो उनका भला हो जाए, उनको कुछ सीखने को मिल जाए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर नाउ। Stay safe, stay happy, strictly follow coronavirus guidelines because still corona present around us. So be careful. Thank you guys. We will meet in our next videos. Till then, take care. Bye bye. Thank you.